आज हम मधुपुर बिजली विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सरताज कुरैशी जी के साथ मौजूद हैं और मधुपुर में लगातार बिजली को लेकर कई चर्चाएं, कई भ्रामक स्थिति पैदा हो रही है, जिसको लेकर पिछले दिनों मीडिया में भी कई तरह के मामले बिजली को लेकर चल रही थे। ऐसे में आज खुद मीडिया से बात करने के लिए इन्होंने मीडिया को आमंत्रित किया है और मैं इनसे जानूंगा सरताज कुरैशी जी से के आने वाले दिनों में जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई, आखिर क्यों उपभोक्ताओं में नाराजगी है। छोटे साहब बहुत बहुत स्वागत है। कुछ नाराजगी उपभोक्ताओं में है, क्यों, क्या कारण है कि उपभोक्ता नाराज हो जाते हैं जब उपभोक्ता आपके कंज्यूमर है। एक्चुअली झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड इस समय कठिन दौर से गुजर रहा है और पूरे राज्य में राजस्व वसूली के लेकर के निगम मुख्यालय की प्राथमिकता है, इसीलिए मधुपुर डिवीजन में भी छापेमारी की जा रही है बिजली चोरी को रोकने के लिए और जिनका यूनिट बैलेंस है मीटर में उनको बिल दिया जा रहा है। क्योंकि इस तरह की घटना से बिजली विभाग को नुकसान हो रहा था और इसके कारण राजस्व की वसूली में बाधा हो रही थी, इसीलिए अब विभाग ने निर्णय लिया है कि जिन भी उपभोक्ताओं का वैध विद्युत कनेक्शन नहीं है तो वो परेशानी में कानूनी धांपेच में फंस सकते हैं, कानूनी कार्रवाई उस पर होगी। अगर बिना कनेक्शन के बिजली यूज कर रहे हैं तो उन पर FIR दर्ज की जाएगी, अगर बिजली बिल बकाया है भुगतान नहीं कर रहे हैं तो उस पर सर्टिफिकेट केस की जाएगी, ताकि राजस्व की उगाही हो, सरकार के राजस्व की उगाही की जा सके। तो अब इसमें दो बात हैं, अगर जो उपभोक्ता जेन्युइन है तो वो तो खुश होते हैं कि चलिए बिजली चोरी रोका जा रहा है, अधिकारी एक्टिव है, लेकिन जो खुद बिजली चोरी कर रहे हैं या उसको प्रमोट करते हैं उनको इस बात से तकलीफ होती है। तो इसीलिए कुछ लोग चाहते हैं कि भ्रम की स्थिति बना के रखें, लेकिन एक्चुअली जितने उपभोक्ता हैं सबसे हम यही अपील करते हैं कि वैध वैलिड बिजली कनेक्शन लेके बिजली का उपभोग करें और अपने साथ समय बिजली बिल का भुगतान करें, ताकि सभी तरह की असुविधाओं से बच सकें। दूसरी बात सर कि जो बिजली को लेकर मीटर रीडिंग की जहाँ तक बात है, तो आपके जो मीटर रीडर है कहीं ना कहीं उसकी भी कॉन्स्पिरेसी कहीं दिखती है, चूंकि बिल कम आता है और बाद में जब उच्च अधिकारी, और जहाँ तक ऊर्जा मित्र जो क्लीन अगर पाए जाते हैं कि ये मतलब गड़बड़ी किए हैं तो उनको कंपनी से हटा भी दिया जाएगा। और क्या मधुपुर के बिजली उपभोक्ताओं को क्या संदेश देना चाहिए सर? मधुपुर के बिजली उपभोक्ताओं को मधुपुर सब डिवीजन में मधुपुर मार्गोमुंडा करों ब्लॉक आते हैं, तो इसमें क्या है कि अभी बिलिंग HCL सिस्टम में हो रहा है, पहले SRIT सिस्टम में हो रहा था, तो SRIT सिस्टम में सब कुछ ठीक चल रहा था, अभी सिस्टम माइग्रेट हुआ HCL में चला आया है, इस कारण कुछ उपभोक्ताओं का पेमेंट करने के बावजूद उनका नेक्स्ट बिल में से वो पैसा नहीं घट रहा है। तो इसके लिए बोर्ड हेडक्वार्टर में IT जो इंजीनियर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंजीनियर है, वो HCL और SRIT से मिल करके और उस पर मंथन चल रहा है कि कैसे समस्या को सॉर्ट आउट किया जाएगा। ये समस्या जितनी जल्दी सॉल्व हो जाएगी तो उपभोक्ताओं का जिनका बिल एडजस्ट नहीं हुआ है, घटा नहीं है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली घट जाएगा। दूसरी बात है मधुपुर मार्गोमुंडा करों सारठ सारवा सोनर अठाड़ी उपभोक्ताओं को, बिजली उपभोक्ताओं को मेरा यही संदेश है कि अभी ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राज्य सरकार द्वारा एक मुश्त समझौता योजना चल रही है, जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 है। अतः सभी ग्रामीण उपभोक्ता जो अभी तक इस योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं उनसे मेरा अपील होगा कि 31 दिसंबर से पहले योजना का लाभ आप उठा लें। तो स्कूटिव साहब का साफ साफ कहना है कि दो बातें मुख्य रूप से सामने आई है, एक तो ये है कि जो बिजली उपभोक्ता जिनके ऊपर बकाया है उनके लिए एक सुनहरा योजना सरकार का है, 31 दिसंबर तक वो सरकार बिजली विभाग के साथ समझौता कर अपना जो भी बकाया है उसको पूरा कर सकते हैं। दूसरी बात कहीं ना कहीं सरकार का, राज्य सरकार का दबाव बिजली और राजस्व उगाही को लेकर है, राजस्व वसूली को लेकर है, तो इसमें अधिकारी सतर्क हैं और इनका साफ साफ कहना है कि किसी भी हालत में बिजली चोरी नहीं होने दिया जाएगा। अगर ऊर्जा मित्र अगर
इसमें संलिप्त है तो उनपे भी जांच कर कार्रवाई होगी। ऐसे में तमाम उपभोक्ताओं को सतर्क रहना होगा और साफ साफ अपने बिजली को लेकर गंभीर होना होगा और लाइन को सही ढंग से चलाना होगा। इसके लिए विभाग हमेशा तैयार है।